कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी प्यार तो वस्तुओं को करते हैं और इस्तेमाल करते हैं लोगों को। वैसे मैं जानता हूं कि आप ऐसा करते नहीं हैं, क्योंकि आप देखते हैं रिश्तों को जोड़े रखने वाला यूट्यूब चैनल यही है सच। मैं हूं नरेश। एक बात हमें सदा ही ध्यान रखनी चाहिए कि प्रेम करने के लिए होते हैं इंसान, और वस्तुएं होती हैं सदा ही इस्तेमाल करने के लिए, चाहे हीरे की अंगूठी हो या लाखों के जूते अथवा करोड़ों की गाड़ियां हो, हम सदा ही उनका इस्तेमाल करते हैं। परंतु देखने में अक्सर इसका उल्टा ही होता है। लोग इस्तेमाल लोगों को करते हैं और प्रेम करते हैं वस्तुओं को। कहीं पर मैंने एक छोटी सी मगर दिल को छू लेने वाली कहानी पढ़ी थी। एक व्यक्ति नई नई कार लेकर के आया और एक दिन वह अपनी कार को पॉलिश कर रहा था, तभी उसकी 4 साल की एक बेटी घर से निकल कर आई। पत्थर का टुकड़ा उसके हाथ में था और वो कार पर कुछ लिखने लगी। अपनी बेटी को नई कार पर, चमकती हुई कार पर कुछ लिखते हुए देखकर उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया। पिता ने सोचा समझा तो कुछ है नहीं, क्रोध में दांत पीसता हुआ अपनी उस मासूम 4 साल की बेटी के पास गया और पहले तो एक तमाचा उसके लगाया और फिर उसका हाथ पकड़कर उमेट दिया। बेटी रोती हुई घर के अंदर को भाग गई और वो व्यक्ति फिर से अपनी कार को चमकाने में लग गया। कुछ देर के बाद उसकी पत्नी अपनी बेटी को, जो अभी भी रो रही थी, खुद रोती हुई, यानी उसकी पत्नी भी रो रही थी, लेकर के बाहर आई और बोली, आपने क्या किया इसे, ये अभी तक रोए जा रही है। बेटी को डॉक्टर के क्लिनिक पर ले जाया गया। एक्सरे में पता चला कि हाथ मरोड़ने के कारण उसकी 2 उंगलियां टूट गई थी। मासूम ने अपने पिता से पूछा, पापा जी मेरी उंगलियां कब ठीक होंगी। उस पिता के पास कोई भी जवाब नहीं था। अब वह पछता रहा था, उसका दिल कर रहा था रोने को। दिल में अपराधी के सा भाव लिए बाप घर वापस पहुंचा और उस कार को उसने कई ठोकरें लगाई जिसके कारण उससे उसकी बेटी की 2 उंगलियां टूट गई थी। तभी उसकी नजर कार के उस पार्ट पर पड़ती है जहां उसकी बेटी ने पत्थर से कुछ लिख दिया था। लिखा हुआ था, उसने बड़े गौर से पढ़ा, लिखा था, आई लव यू डैड। अब वह वही कार के पास जमीन पर बैठकर रो रहा था। परंतु अब रोने से क्या होता है, दोनों ही जरूरी हैं, क्रोध भी और प्रेम भी। परंतु याद रहे, इन सबसे भी जरूरी है विवेक। हमें किस समय क्या करना चाहिए ये जानना परम आवश्यक है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती हैं वस्तुएं और हम उन्हें खरीदते हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए। परंतु जहां तक प्रेम करने की बात है, प्रेम तो रिश्तों से किया जाता है। वस्तुओं से भी प्रेम करने की मनाही तो कोई है नहीं, परंतु जब तुलना करने की बात है तो वस्तुएं चाहे कितनी ही कीमती हों, वो उधर रहनी चाहिए और रिश्ते इधर रहने चाहिए। बख्शिश करो, कृपा करो। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और अभी तक भी यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।